चलिए, 4 नवंबर को पेपर है, क्या करूं अब? कुछ मत करो, सिर्फ जो मैं करा रहा हूं उसको करते रहो, सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये सोचोगे कि करूं क्या, तो समय से अगर निकाल दोगे कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि करने जो सोचने वाला है वो कुछ नहीं करेगा और करने वाला सब कुछ करके निकल जाएगा, इतना समय नहीं यार हमारे पास। तो शुरू करते हैं कहानी को, और कहानी को अंजाम देने से पहले, इस महफिल को शुरू करने से पहले, एक बार 2 लाइनें आप लोगों के लिए हो जाएं। ये आते हुए अभी सो के उठने के बाद मेरे को 2-3 लाइनें जब आती हैं तो मैं अक्सर उन्हें लिख लेता हूं अपने पन्नों पे, और ये शायद आपके दिल और दिमाग में अगर उतरे तो ये महफिल जो है आज बड़ी होनी चाहिए साथियों, और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं पहुंचाना कहां तक चाहता हूं और क्या आप वहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो कहते हैं कि साहब, जो मुस्कुरा रहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। ऐसा मत सोचिए कि जो मुस्कुरा रहा है वो इंसान खुश है, वो जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पांव में तो पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पांव में तो चला होगा। जो चला ही नहीं है उसके पैरों में छाले पड़ेंगे क्या कभी? जिसने एग्जाम की तैयारी नहीं की उसको डर होगा क्या कभी? डर किसको होगा जो तैयारी कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा। तो इसीलिए कहा है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पांव में छाला होगा, और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता साथियों, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी के घर में तो उजाला होगा। और वो जलने का समय आ गया है साथियों, अगर हमारे जलने से हमारे घर में, हमारे माँ बाप कि उस महल में जो इन्होंने बनाया है उसको जाला होगा, तो जलने को भी तैयार है, फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ मेरे साथ फटाफट, मैं आपका कमांडर आपके साथ खड़ा हूँ। चलिए कहानी को अंजाम देते हैं और आगे बढ़ते हैं साथियों। सारे के सारे बच्चे थोपते रहेंगे, सारे के सारे बच्चे लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए,